press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरे लिए बहुत बड़ी गलत न्यूज़ है. मुझे यकीन नहीं है कि ये चीज़ हुई है और दिल मानने के लिए तैयारी नहीं है. ये उनके साथ मेरी एक ट्रिक है. मैंने उनके साथ मालिनी एयर में भी काम किया है. पीछे हो रहे. मैंने उनके साथ मालिनी एयर में भी काम किया है और इंसानियत और एज ए ह्यूमन बीइंग इनके जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा है. इन आर इंडस्ट्री मैं भी इंडस्ट्री से ही हूँ. बहुत काम किया है मैंने यहाँ. मैं अंधेरी वेस्ट सियारी रोड पे रहती हूँ. शी इज़ माई हीरो. शी इज़ माई गॉड. और भगवान ने मुझे वो एक मौका दिया तो भगवान को मैं वो शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी बड़ी हीरोइन के साथ और मैम के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला. और उनका बिहेवियर सबके प्रति एज एन आर्टिस्ट एज ए टेक्नीशियन जिस हिसाब से वो सेट पे सबके साथ बिहेव करती थी मार्वलस. बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा जिसको हमारे जैसे कलाकार बयान नहीं कर सकते कि क्या लॉस है इंडस्ट्री में. बिकॉज स्टिल शी इज़ वर्किंग. तो यकीन मानना तो मुश्किल ही है. गले से नीचे तो वो ये बात उतर नहीं रही है. ऑलवेज सबका दिल जो है वो पिंक होता है. मेरा आज काला है. सो टुडे इज़ अ ब्लैक डे फॉर मी. सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर हर. बस उनके अंतिम दर्शन मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी. हाँ मालिनी एयर में एक एपिसोड में थे और उनको मुझे एक बचाने का एक सीन था जिसमें शी वॉज वेयरिंग अ बुरखा और वो जब यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ जो कॉमेडी में उचक रहे थे सो बिहाइंड आई वॉज लाफिंग कि माई गॉड इन फ्रंट ऑफ कैमरा शी इज़ सो गुड. और अपने आप को भूल के जो जिस किरदार में वो काम करते थे दैट वाज मार्वेलस. बिल्कुल नहीं. सबका जी सर सबका एक अपना अपना व्यक्तित्व होता है. एक अपनी अपनी पहचान होती है. तो श्रीदेवी मैडम की जगह तो मुझे नहीं लगता कोई ले पाएगा. काफ़ी अच्छी डांसर भी थी. बहुत अच्छी डांसर थी. मैंने उनके बहुत सारे सॉन्ग्स पे मैंने भी परफॉर्म किया है विथ माय गुरुजी और ये और घर में भी मैंने बहुत डांस किया है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के. और आज भी दिन में एक या दो फिल्म कल या परसों ही मैं चांदनी देख रही थी. तो जी हाँ जी हाँ. तो अनबिलीवेबल. एक बोलना और एक आपकी भावना को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है. सो ये भावना को व्यक्त नहीं कर सकती. मैं बता नहीं सकती. ये फ़ोटो मेरे दिल के बहुत करीब है. और जब मैंने एज एन आर्टिस्ट मेरा इंट्रोडक्शन इनको दिया और जिस हिसाब से उन्होंने उठ के एक आर्टिस्ट को मिलता है चाहे वो छोटा या हो या बड़ा हो कलाकार को एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट उनसे मिली है या मिलनी चाहिए ये इनसे सीखना चाहिए. कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कलाकार आपको पब्लिक को जाने नहीं दिया जाता या आर्टिस्ट नहीं मिल सकते. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये उनमें से वो इंसानियत वो शख्सियत है कि बहुत ही ग्राउंडेड होके काइंडली होके सबके साथ मिलजुल के काम करने वालों में से और सबके साथ मिल के फ़ोटो शेयर करने वालों में से शख्सियत थी. कब से खड़े हो यहाँ पे जब आपको मैं बस पता चला और मैं मुझे दो तीन घंटे तो हो ही गए. फिर मीडिया वालों को जैसे जैसे पता चला वो लोग भी मुझे कवर कर रहे हैं. मैं सबकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबकी और आप सबके थ्रू मैं उनके फैंस को उनके कोस्टार्स को और मेरे जैसे छोटे से आर्टिस्ट जो भी है उन सबकी तरफ से मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि वो सबके दिलों में बसती हैं. मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है. मैं नहीं बोलूँगी. मैं नहीं बोलूँगी.
ऑटोग्राफ भी दिया था उसको? जी हाँ, वो मैम ने मुझे ऑटोग्राफ दिया था। फोटो भी गई ना? हाँ, ये उनका साइन है और ये 2004 में आई मैट हो। कौन सा तारीख? 2004। इट्स वेरी लॉन्ग बैक, जब मेरा करियर शुरू हुआ था। जी हाँ। तो जी, मेरा नाम मोना पारेख है। मैं भी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने गुजराती फिल्में की है, भरतनाट्यम डांसर हूँ और अभी भी शोज कर ही रही हूँ। बिल्कुल, गुजराती फिल्म मैंने की। हिंदी में कोई मैसेज देना चाहोगे उनके? बस उनके फैंस को, ये इतनी बड़ी दुखद घटना उनकी फैमिली के साथ हुई है, तो मुझे लगता है कि मैं भी उनकी फैमिली में से ही हूँ। मुझे पता है कि जब घर में से एक इंसान कम होता है तो क्या फीलिंग्स होती है, जो बयां करने के नाइलाज इंसान हो जाता है, बयां नहीं कर सकता उस चीज़ को। एक लॉस जो है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। पर मैं उनके घर वालों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को संभालिए, और मैं उनके फैंस को भी यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उनके लिए प्रार्थना करिए और शांति बनाए रखें। थैंक यू सो मच।